सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिएक्टिविटी ऑफ ARSN1 या फिर ARSN2 रिएक्शन, यानी कि टोटली हम दोनों रिएक्शंस की, हम रिएक्टिविटी की बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी ARSN1 यानी कि सॉरी ARSN रिएक्शन जो होती हैं, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती हैं, उन पर इफेक्ट डालते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ ARSN और रिएक्शंस। ये एग्जैक्टली ऐसे कैसे पूछा जाता है 5 या 10 नंबर में, तो आपको ये इतना लिखना सफिशिएंट होता है। 5 नंबर पे ज़्यादातर ये पूछा जाता है, तो इतना लिखना सफिशिएंट होता है। और ये सारी चीज़ें अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये सारी चीज़ें आपको लिख करके आनी है। तो स्टार्ट करते हैं, क्या होता है द रिएक्टिविटी ऑफ ARSN रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर, यानी कि जो हमारी रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है, यानी कि जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है, वो डिपेंड करती है 3 फैक्टर्स पर। ये 3 फैक्टर्स कौन कौन से होने वाले हैं, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, जो लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है। देखो ARSN रिएक्शन किसे कहते हैं, इसमें एक हमारा सबस्टेट होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। अब सबस्टेट जो होता है उसमें एक लिविंग ग्रुप होता है, और जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो अटैक करके उस लिविंग ग्रुप को बाहर कर देता है। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ और कोई आकर के यहाँ पर मुझे रिप्लेस करके पढ़ाने लगे, मुझे बाहर निकाल दे और वो यहाँ पर आकर के पढ़ाने लगे, इसे बोलते हैं सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। और AR का मतलब होता है एरोमेटिक रिंग होगी हमारे पास, इस तरीके की, इस टाइप की रिंग होगी जिसमें कोई भी एक लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होगा, ये हमारा सबस्टेट होगा, और अटैकिंग स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल होगी। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी और लिविंग ग्रुप को बाहर कर देगी। लिविंग ग्रुप कौन है, मैं हूँ, और न्यूक्लियोफाइल कौन है, जो मेरे यहाँ पर मुझे रिप्लेस करके यहाँ पर पढ़ाने वाला है, वो है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफाइल आता है, लिविंग ग्रुप को बाहर कर देता है, और सबस्टेट की जो रिंग है वहाँ पर जा करके जुड़ जाता है, उसे बोलते हैं ARSN रिएक्शन, यानी कि एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो हमारी जो ये रिएक्शन है ना, ये 2 तरीके से प्रोसीड हो सकती है। फर्स्ट चीज, ये हमारा सबस्टेट है, इसमें सबसे पहले लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाए, उसके बाद अगले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल वहां पर अटैक करे। फर्स्ट स्टेप ये हो गई, फर्स्ट कंडीशन हमारी ये हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है, मान लो ये जो लिविंग ग्रुप है ये जैसे जैसे निकलता जाए वैसे वैसे इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता जाए, यानी कि जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता जाए वैसे वैसे ये लिविंग ग्रुप बाहर निकलता जाए, ये हमारी दूसरी कंडीशन है। जो पहली कंडीशन थी ना, पहले हमारा लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है, अब लिविंग ग्रुप ऐसा होगा जो कि नेगेटिव चार्ज कंटेन करेगा, यानी कि ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं बॉन्ड के, ये दोनों इलेक्ट्रॉन वो लेकर के जाएगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होगी, तो पीछे क्या छोड़ेगी, पॉजिटिव। तो SN1 रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोकैटायन बनता है, लिविंग ग्रुप सबसे पहले बाहर निकल जाता है, इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर पीछे क्या छोड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि कार्बोकैटायन SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन एज एन इंटरमीडिएट बनता है, और उसके सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ठीक है, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ये होती है SN1 रिएक्शन। और SN2 रिएक्शन में क्या होती है कि जैसे जैसे हमारा लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है वैसे वैसे न्यूक्लियोफाइल उसके साथ जुड़ता जा रहा है, या फिर न्यूक्लियोफाइल वहां पर अटैक करता जा रहा है। अब कैसे करता है, यहाँ पर ये जो लिविंग ग्रुप इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि ये इसका बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। अब ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है तो इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी होगा। अब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आएंगे वैसे वैसे लिविंग ग्रुप जो है वो टूटना स्टार्ट कर देगा, ये कार्बन और लिविंग ग्रुप का जो बॉन्ड है वो डिसोशिएट, टूटना स्टार्ट कर देगा जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी, यानी कि न्यूक्लियोफाइल जैसे जैसे इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा वैसे वैसे ये लिविंग ग्रुप बाहर निकलता जाएगा, इसे बोलते हैं SN2 रिएक्शन। ठीक है, ये SN2 रिएक्शन होती है। अब कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन दोनों रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं, उनके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट है नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, यानी कि ये जो लिविंग ग्रुप है इसका नेचर क्या है, ये बेस्ट लिविंग ग्रुप है या फिर बैड लिविंग ग्रुप है। सोच के देखो यार, बेस्ट लिविंग ग्रुप वो होते हैं जो आराम से निकल जाते हैं। अब किसी भी रिएक्शन की रेट को बढ़ाना है, यानी कि टाइम पीरियड को घटाना है, जल्दी रिएक्शन करानी है, तो क्या करेंगे, सारी की सारी ऐसी कंडीशन प्रोवाइड कराएंगे जिससे हमारी रिएक्शन तेज प्रोसीड हो सके। फर्स्ट कंडीशन इसमें क्या है, लिविंग ग्रुप बेस्ट होना चाहिए, यानी कि जितनी जल्दी लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा उतनी तेज हमारी रिएक्शन होगी, है ना। तो लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, बेस्ट लिविंग ग्रुप होना चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए, जैसे क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ऐसा होना चाहिए। फ्लोरीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्लोरीन एक बैड लिविंग ग्रुप
ग्रुप होता है, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप बेस्ट होना चाहिए। अब देखो SN1 रिएक्शन में क्या होता है, SN1 रिएक्शन में RDS स्टेप यानी कि रेड डिटरमाइनिंग स्टेप में सबसे पहले लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है। तो ARSN1 जो रिएक्शन होती है उसके लिए लिविंग ग्रुप का नेचर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। तो जितना बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा उतनी ही ARSN1 रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन होगी, यानी कि उतनी ही कम टाइम पीरियड में ARSN1 रिएक्शन होगी जितना बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा। ARSN1 की बात कर रहा हूं। ARSN2 में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है ना वो अटैक करता है RDS स्टेप। देखो RDS स्टेप होती है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यही हमें बताती है कि इस रिएक्शन की रेट क्या होने वाली है, ये रिएक्शन स्लो होगी या फास्ट होगी। अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप अगर हमारी फास्ट है तो बाकी की जितनी भी स्टेप हैं वो तो फास्ट होती हैं। तो ये जो RDS स्टेप है यही हमें बताती है कि कौन सा स्टेप, कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी और कौन सी स्लो होगी। तो ARSN2 रिएक्शन में जो RDS स्टेप है उसमें न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करने वाला है। तो सोचो यहाँ पर लिविंग ग्रुप का कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर RDS स्टेप में क्या इन्वॉल्व है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक इन्वॉल्व है। तो न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक कर देगा, लेकिन ARSN1 रिएक्शन में RDS जो स्टेप होती है उसमें लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है, यानी कि यहाँ पर सबस्टेट होता है और RDS स्टेप होती है और RDS स्टेप में अगली स्टेप में हमारा लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है, कार्बोकेटाइन बनता है ARSN1 रिएक्शन में। तो सोचो ARSN1 के लिए लिविंग ग्रुप कितना महत्वपूर्ण होता है, यानी कि लिविंग ग्रुप का जो नेचर होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ARSN1 रिएक्शन के लिए एज कम्पेयर टू ARSN2 रिएक्शन, ठीक है। तो इन ARSN रिएक्शन लिविंग ग्रुप विच इज अटैच्ड विद सबस्टेट प्ले ए वाइटल रोल, यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लिविंग ग्रुप का नेचर इन रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि हमारी जो रेट है रिएक्शन की उसमें। इन ARSN2 द लिविंग ग्रुप नॉट पार्टिसिपेट इन RDS स्टेप, यानी कि हमारी जो ये ARSN2 रिएक्शन है, ये ARSN2 रिएक्शन है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें RDS स्टेप में लिविंग ग्रुप इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, यानी कि ग्रुप का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसमें केवल न्यूक्लियोफाइल का इन्वॉल्वमेंट है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है RDS स्टेप। बट इन ARSN1 रिएक्शन, लेकिन ARSN1 रिएक्शन में लिविंग ग्रुप पार्टिसिपेट इन RDS स्टेप, यानी कि ARSN1 रिएक्शन में RDS स्टेप में क्या होता है, लिविंग ग्रुप बाहर निकालता है, यानी कि सबसे जो स्लो स्टेप होती है ARSN1 में वो क्या होती है, लिविंग ग्रुप का बाहर निकलना। अब सोचो लिविंग ग्रुप का बाहर निकलना अगर फास्ट हो जाएगा तो ओवरऑल हमारी जो रिएक्शन होगी ARSN1 रिएक्शन वो फास्ट हो जाएगी। अगर हमारा बैड लिविंग ग्रुप है जो कि निकल ही नहीं रहा तो उस कंडीशन में हमारी रेट ऑफ रिएक्शन घटेगी, कौन सी, ARSN1। अगर हमारा बेस्ट लिविंग ग्रुप है, सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप है, वो क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा क्योंकि RDS स्टेप इन्वॉल्व होती है लिविंग ग्रुप के बाहर निकलने में, ठीक है, किसमें, हमारी ARSN1 रिएक्शन में। बट ओवरऑल ए बेस्ट लिविंग ग्रुप इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन अगर हम पूरी की पूरी तरीके से ARSN1 और ARSN2 की बात करें तो एक बेस्ट लिविंग ग्रुप हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, ठीक है। वो कैसे, देखो यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं कर रहा है RDS स्टेप में लिविंग ग्रुप, कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहा है, इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन लास्ट स्टेप में तो निकलने वाला है। अगर ये बैड लिविंग ग्रुप होगा तो यहाँ पर ये जो रेट होगी इस पर इफेक्ट पड़ेगा, ये निकलेगा नहीं जल्दी, तो हमारा ये जो प्रोडक्ट है वो इतनी जल्दी नहीं बन पाएगा, तो ओवरऑल हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को ये डिक्रीज करेगा। तो कहीं ना कहीं लिविंग ग्रुप का जो नेचर है वो हमारे ARSN2 रिएक्शन पर भी इफेक्ट डालता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है लिविंग ग्रुप का नेचर ARSN1 रिएक्शन के लिए, ठीक है, क्योंकि उसमें तो डायरेक्ट यार RDS स्टेप में ही लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है, तो लिविंग ग्रुप का जो रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ARSN1 के लिए, ठीक है। एंड SN1 रिएक्शन रेट इंक्रीज विद ए गुड लिविंग ग्रुप, यानी कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है जो कि SN1 रिएक्शन होती है, उसमें एक बेस्ट लिविंग ग्रुप जो होता है वो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, बिकॉज लिविंग ग्रुप इन्वॉल्व इन RDS स्टेप, RDS स्टेप में हमारा लिविंग ग्रुप होता है वो इन्वॉल्व होता है। एक गुड लिविंग ग्रुप इज वीक बेस, यानी कि जितने भी हमारे गुड लिविंग ग्रुप होते हैं वो वीक
बेस होते हैं। देखो ये जो जितने भी हमारे लिविंग ग्रुप होते हैं ना, वो हमारे कॉन्जुगेट बेस होते हैं। और कॉन्जुगेट बेस कौन से होते हैं? वीक कॉन्जुगेट बेस होते हैं, क्योंकि ये वीक कॉन्जुगेट बेस जो होते हैं वो स्ट्रोंग एसिड से बने होते हैं। जैसे जैसे हमारा HCl, ये क्या है? ये हमारा स्ट्रोंग एसिड है, काफी स्ट्रोंग एसिड है। ये किस में टूटेगा? H+ और Cl- में। ये Cl- क्या है? ये Cl- कॉन्जुगेट बेस है किसका? HCl का। तो ये जितना ज्यादा स्ट्रोंग होगा ये कॉन्जुगेट बेस, उतना ही वीक होगा। और जितने ज्यादा वीक कॉन्जुगेट बेस होते हैं वो सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप होते हैं। जैसे HF जो होता है उसमें फ्लोरीन बनता है, फ्लोरीन कॉन्जुगेट बेस बनता है। अब ये फ्लोरीन कॉन्जुगेट बेस जो होता है वो स्ट्रोंग होता है, वीक नहीं होता है, स्ट्रोंग कॉन्जुगेट बेस होता है, क्योंकि उसका जो एसिड होता है HF जो होता है वो हमारा वीक एसिड होता है। ठीक है, बिकॉज वीक बेस कैन होल्ड द चार्ज, यानी कि वीक जितने भी वीक कॉन्जुगेट बेस होते हैं वो होल्ड करके रख सकते हैं हमारा चार्ज, क्योंकि जितने भी वीक कॉन्जुगेट बेस होते हैं ना वो होल्ड करके रख सकते हैं चार्ज, इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है। क्लोरीन का साइज बड़ा है फ्लोरीन के कंपैरिजन में। अब क्लोरीन का साइज बड़ा है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी अच्छी खासी रख सकता है। अब देखो क्लोरीन और आयोडीन के कंपेरिजन करें ना तो आयोडीन बेस्ट लिविंग ग्रुप है। क्यों? क्योंकि उसका साइज और भी बड़ा है। अब और भी बड़ा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज हम कितना भी रख सकते हैं, वो आराम से मैनेज कर सकता है, क्योंकि यार उसका जो साइज वो काफी बड़ा है। ठीक है, वहां पर इतना ज्यादा रिपल्शन नहीं देखने को मिलेगा उस, इसीलिए आयोडीन हमारा बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, इन ARSN रिएक्शन लिविंग ग्रुप रिमूव विद इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्ड, यानी कि लिविंग ग्रुप जब भी रिलीज होगा वो बॉन्ड की दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा। हैलाइड्स आर एन एग्जांपल ऑफ ए गुड लिविंग ग्रुप है। जितने भी हमारे हैलाइड्स होते हैं, खासकर हम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की बात कर रहा हूँ, फ्लोरीन तो सबसे घटिया सबसे खराब बैड लिविंग ग्रुप होता है, तो हैलाइड जो भी होते हैं एक्सेप्ट फ्लोरीन वो बेस्ट लिविंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, लिविंग ग्रुप ऑर्डर की अगर बात करें तो आयोडीन सबसे ज़्यादा बेस्ट लिविंग ग्रुप है, उसके बाद ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर की अगर बात करें, मान लो हमारा जो ये pH है, देखो इसकी बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर ये जो pH है वो ये है और यहाँ पर आयोडीन जुड़ रहा है, यहाँ पर ये जो होगा ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, इसके बाद ये होगा। अब इसे आयोडीन की जगह ब्रोमीन रख देना, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये और इसके बाद ये, सबसे कम रिएक्टिविटी इसकी होगी। ठीक है, ये है हमारा नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। सेकेंड चीज, स्ट्रक्चर ऑफ सबस्टेट। सम फैक्टर्स लाइक रेजोनेंस, फील्ड इफेक्ट एंड स्टेरिक इफेक्ट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जैसे रेजोनेंस, स्टेरिक इफेक्ट और हमारा फील्ड इफेक्ट, ये तीन ऐसे फैक्टर हैं जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। तो देखो आपको ध्यान से देखना है, रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस होता है कि हमारा जो ये नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ है इसका डीलोकेलाइजेशन, रिंग में कहां डीलोकेलाइज होता है, ये होता है रेजोनेंस। अब स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है? स्टेरिक इफेक्ट होता है क्राउडिंग, यानी कि कितने बल्कि ग्रुप जुड़े हुए हैं। सोच के देखो यार, यहां पर लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहां पर न्यूक्लियोफाइल लाकर के अटैक करने वाला है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो पोजीशन है ऑर्थो पोजीशन, यहां पर बड़े-बड़े ग्रुप लाकर के यहां पर मैंने चिपका दिए हैं। अब वो क्या करेंगे, वो यहां पर क्राउडिंग कर लेंगे, यानी कि भीड़-भाड़ बढ़ा देंगे। अब भीड़ ज्यादा होने की वजह से यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक इतना इफेक्टिवली अटैक नहीं कर पाएगा, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन घटेगी। क्योंकि देखो यहां पर अगर सोच के देखो यार, क्राउडिंग बढ़ेगी, स्टेरिक इफेक्ट का मतलब होता है बल्कि ग्रुप को चिपकाना, या फिर बल्कि ग्रुप की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन का घटना, उसे बोलते हैं स्टेरिक इफेक्ट। तो जितनी ज्यादा स्टेरिक इफेक्ट होगी ऑर्थो पोजीशन पर, ARSN2 की जो रेट ऑफ रिएक्शन है उतनी ही ज्यादा डिक्रीज करेगी। तो हमारा बल्की ग्रुप यानी कि स्टेरिक इफेक्ट इस तरीके से वर्क करता है। और अगर फील्ड इफेक्ट की बात करूं, रेजोनेंस की बात कर चुके हैं, रेजोनेंस सब जानते हैं। अगर फील्ड इफेक्ट की बात करूं तो फील्ड इफेक्ट हमें ये बताता है कि देखो यहां पर जो ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो कहां कहां आ रहा है, एक तो इस सेकंड पोजीशन पर,
थर्ड को छोड़ो फोर्थ पोजीशन पर, फिफ्थ को छोड़ो सिक्स्थ पोजीशन, यानी कि सेकंड फोर्थ और सिक्स्थ पोजीशन पर हमारा नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब नेगेटिव चार्ज जब भी आता है उसे कौन बैलेंस करता है, उसे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बैलेंस करता है। यानी कि जहां जहां हमारा नेगेटिव चार्ज आएगा अगर वहां वहां हमारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ होगा तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, यानी कि जो हमारा रेट है, जो हमारी रिएक्शन की स्पीड है उसे बढ़ा देगा। क्यों बढ़ाएगा? उसका रीजन ये है कि यहां पर जो ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है 2, 4 और 6 पोजीशन पर, इसे बैलेंस कर देगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। और दूसरी अगर कंडीशन ले, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं इसे 2, 4, 6 पोजीशन पर, तो इस कंडीशन में क्या होगा? यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, रिंग को इलेक्ट्रॉन देंगे। अब यहां पर इलेक्ट्रॉनों की जरूरत ही नहीं है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा है, इसे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी पर इफेक्ट डाल रहे हैं, इसे अनस्टेबल बना रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में इससे ये बन ही नहीं पाएगा, अगर बनेगा तो उसकी रेट कम होगी, क्योंकि यार सोच के देखो ये काफी ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा और कोई भी रिएक्शन नहीं चाहती है कि उसे स्टेबिलिटी ना मिले, उसे अनस्टेबिलिटी मिले, क्योंकि हर एक चीज इस यूनिवर्स में स्टेबिलिटी के लिए होती है। यहां पर इससे ये बन रहा है तो इसका मतलब सिंपल है कि ये थोड़ा तो स्टेबल होना चाहिए। अब ये नहीं है कि ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, देखो इसके बनने की जो टेंडेंसी है, इसकी बनने की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है इसकी स्टेबिलिटी पर। ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी ही जल्दी ये बनेगा। अब जो भी हमारा नेगेटिव चार्ज या फिर पॉजिटिव चार्ज हमारी रिंग पर क्रिएट हुआ है उसे स्टेबिलिटी देना, ये होता है स्टेरिक, ये होता है हमारा फील्ड इफेक्ट। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है अगर हम इसे स्टेबिलिटी दे देंगे तो ये हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा, हमारी स्पीड को बढ़ा देगा रिएक्शन की, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं रेजोनेंस और फील्ड इफेक्ट, क्योंकि दोनों लगभग सेम ही होते हैं। इन द केस ऑफ ARSN2 ड्यूरिंग द रिएक्शन कार्बेनायन इज फॉर्म, यानी कि जो ARSN2 रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, कार्बेनायन फॉर्म होता है, इज फॉर्म विच इज स्टेबलाइज्ड बाय डीलोकलाइजेशन, जो कि डीलोकलाइजेशन की थ्रू स्टेबिलिटी मिलती है। और डीलोकलाइजेशन जितना ज़्यादा होगा, जो हमारी ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो बन रही है ये जितनी ज़्यादा बढ़ेंगी उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है किसी भी कॉम्प्लेक्स को, किसी भी मॉलिक्यूल को, उसकी जितनी ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होंगी ना उतनी ही ज़्यादा उसे स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। इस स्टेबलाइज बाय ठीक बाय डीलोकलाइजेशन कार्बेनायन इज स्टेबलाइज बाय इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि जो भी कार्बेनायन होते हैं नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होती हैं वो स्टेबलाइज किसकी वजह से होती हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप से, ठीक है। एट 2, 4, 6 पोजिशन, यानी कि जो 2, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 2, 4, 6 पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इसमें हमारे सबस्टेट में जो 2, 4, 6 पोजीशन पर अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, हमारी स्पीड को बढ़ाएगा, ठीक है। इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एट 2, 4, 6 पोजीशन इन सबस्टेट, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। एंड ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरे तरीके से बात करें तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होते हैं एट 2, 4, 6 पोजीशन डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर 2, 4, 6 पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो वो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को घटाएंगे। बट इन द केस ऑफ ARSN1 रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोकैटायन बनता है, सबसे पहले लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज छोड़ता है। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया, सोच के देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसे बैलेंस कौन करेगा, उसे इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप बैलेंस करेंगे। तो बट इन द केस ऑफ ARSN1 रिएक्शन कार्बेनायन कार्बोकैटायन इज फॉर्म विच इज स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारी ARSN2 रिएक्शन, ये है हमारी ARSN1 रिएक्शन। तो ये है हमारी ARSN1 रिएक्शन और ये है हमारी ARSN2 रिएक्शन, जिसमें कार्बोकैटायन बनता है और कार्बोकैटायन कहाँ कहाँ होता है, 2, 4 और 6 पोजीशन पर। तो 2, 4, 6 पोजीशन पर अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को घटाएगा। और अगर ARSN1 की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले RDS स्टेप में लिविंग ग्रुप निकलेगा जिससे कार्बोकैटायन बनेगा। अब कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी कौन देता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो चुकी है,
अब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो चुकी है तो इसे कैसे ग्रुप चाहिए, इसे इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप चाहिए। तो यहाँ पर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। अब जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा वो उतनी ही जल्दी ये बनेगा, और जितनी जल्दी ये बनेगा उतनी जल्दी हमारी रिएक्शन प्रोसीड होगी। अगली स्टेप होती है न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना, और जो कि काफी फास्ट होता है। ये हमारा एक एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो NO2 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। यहाँ पर ऑर्थो पर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर मेटा पर, यहाँ पर पैरा पर, और यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पर। तो इनमें से रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, इसकी होगी, क्योंकि यार यहाँ पर दो दो NO2 ग्रुप जुड़े हुए हैं और वो भी ऑर्थो पैरा पर 2-4 पोजीशन पर जुड़े हुए हैं जहां पर नेगेटिव चार्ज जाता है। तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। इसके बाद देखेंगे हम इन तीनों में। तो यहां पर देखो इसको तो सबसे लास्ट में करना है क्योंकि इसकी मेटा पोजीशन पर प्रेजेंट है NO2 ग्रुप, जो कि केवल माइनस आई इफेक्ट ही डालेगा, ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि यहां पर मेटा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज नहीं आता है, वो केवल 2, 4 और 6 पोजीशन पर आता है। इसलिए हमें इन दोनों में देखना है। तो देखो यहां पर ये जो है ये NO2 प्रेजेंट है पैरा पोजीशन पर, यहां पर NO2 प्रेजेंट है ऑर्थो पोजीशन पर, यहां पर 2 पोजीशन पर, यहां पर 4 पोजीशन पर, और 2 पर भी नेगेटिव चार्ज आता है और 4 पर भी नेगेटिव चार्ज आता है। तो इन दोनों में से किसको कंसिडर करेंगे, इसको करेंगे, क्योंकि यहां पर ये ऑर्थो पोजीशन पर प्रेजेंट है। यहां पर ये केवल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम नहीं कर रहा है, यहां पर ये माइनस आई इफेक्ट भी लगा रहा है, और माइनस आई इफेक्ट डिपेंड करता है डिस्टेंस पर। जितनी कम डिस्टेंस होगी उतना ही ज्यादा इफेक्टिव वर्क करेगा हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहां पर ऑर्थो पर प्रेजेंट है इसलिए इसे प्रेफर करेंगे। तो फर्स्ट वे ये आएगा, यानी कि इसके बाद रिएक्टिविटी इसकी होगी, इसके बाद ये, और इसके बाद सबसे लास्ट में ये, क्योंकि यहां पर नेगेटिव चार्ज नहीं आता है, ये केवल माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। ठीक है, अगली चीज है हमारा स्टेरिक इफेक्ट। अब स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है, स्टेरिक का मतलब होता है क्राउडिंग, यानी कि ऑर्थो पोजीशन जो है हमारी, अगर मैं यहाँ पर क्राउडिंग भीड़ भाड़ बढ़ा दूंगा, बल्कि ग्रुप चिपका दूंगा, तो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो इफेक्टिव तरीके से नहीं हो पाएगा, जल्दी नहीं हो पाएगा, जिससे हमारी रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगी। देखो इफ इन द सबस्टिट्यूटेड ग्रुप आर स्मॉल, यानी कि जो हमारा ग्रुप होते हैं सबस्टिट्यूटेड ग्रुप जो होते हैं, जो हमारे जुड़े होते हैं इन पोजिशन पर, जो भी आर ग्रुप जुड़े हुए होते हैं उनको सबस्टिट्यूटेड ग्रुप कहते हैं। अगर वो हैं यानी कि छोटे हैं, साइज में छोटे हैं, देन रिएक्शन कैन बी प्रोसीड इजीली, तो हमारी रिएक्शन जो होगी वो इजीली प्रोसीड हो जाएगी। बट इफ सबस्टिट्यूटेड ग्रुप इज लार्ज, देन रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डिक्रीज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टेटिक रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर हमारे जो सबस्टिट्यूटेड ग्रुप हैं वो अगर छोटे हैं तो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हमारे सबस्टिट्यूटेड ग्रुप जो कि ऑर्थो पोजिशन पर जुड़े हुए हैं वो बड़े बड़े हैं, जैसे ब्यूटिल ग्रुप, टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप, ऐसे ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो वो यहाँ पर स्टेरिक इफेक्ट डालेंगे, वो इस न्यूक्लियोफाइल को आने ही नहीं देंगे इप्सो अटैक करने के लिए, यानी कि इप्सो पोजीशन पर अटैक करने के लिए आने ही नहीं देंगे, क्योंकि यार देखो यहां पर अगर ग्रुप जुड़े हुए होंगे, अब उन ग्रुप के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, और नेगेटिव चार्ज स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा, जिससे ये इफेक्टिवली यहां पर अटैक नहीं कर पाएगा, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगी। ठीक है, In the case of ARSN2 reaction, nucleophilic attack on ipso position. So if in the substrate ortho position are occupied by bulky group, यानी कि ARSN2 reaction में क्या होता है, ARSN2 reaction में ipso पर attack होता है nucleophile का, और ऐसी condition में अगर ortho position पर हमारे bulky group जुड़े हुए होते हैं तो उस condition में क्या होगा, group, then we observe decrease the rate of reaction, उस condition में हमारी rate of reaction decrease करेगी। यहां पर अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। तो देखो यहां पर केवल मैंने CH3 लिख रखा है, ठीक है, तो यहां पर अगर हम इस तरीके से करते हैं इसे, है ना, यहां पर है ब्यूटिल ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पर CH3, ठीक है, यहाँ पर ब्यूटिल ग्रुप, यहाँ पर NO2 ग्रुप। अब देखो यहाँ पर ये केवल सिंगल है, यहाँ पर कोई भी स्टेरिक इफेक्ट नहीं लग रहा है, लेकिन देखो ये जो है यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप भी प्रेजेंट है। अब नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है वो भी 2 पोजीशन पर, तो यहाँ पर क्या करेगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी इसकी होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये सारे क्या हैं, ये जो भी हैं
ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो सबसे बाद में तो ये आने वाले हैं। अब इन दोनों की अगर बात करें तो इसमें तो कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इसके लिए एडवांटेज है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी इसकी होगी, इसके बाद इसकी होगी, क्योंकि इसके पास यार इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को घटाते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, तो इसके पास कुछ भी नहीं है तो ये आएगा, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी फोर्थ नंबर, इसके बाद ये आएगा। और अगर इन दोनों की बात करें तो भाई साहब इसके पास तो दो दो बल्कि ग्रुप हैं, ये इतना ज्यादा नहीं है लेकिन ये बहुत बल्कि ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, जिससे यहाँ पर स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ा देगा ये। अब इससे क्या होगा, यहाँ पर इफेक्टिव अटैक नहीं हो पाएगा, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन इसकी डिक्रीज करेगी, यानी कि ये जो है ये काफी ज्यादा, यानी कि इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। तो फर्स्ट नंबर पर ये, सेकंड पर ये, थर्ड पर ये और फोर्थ पर ये, सबसे ज्यादा कम रिएक्टिव ये होगा और सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होगा, ठीक है। अगली जो हमारा इफेक्ट है वो है नेचर ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, यानी कि न्यूक्लियोफाइल जो है उसका नेचर कैसा है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल का नेचर है उस पर भी हमारी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। वो कैसे करती है वो देखते हैं। इफ स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल इंक्रीज देन रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीज, अगर हमारा बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है जैसे OH एक बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है। देखो बेस्ट न्यूक्लियोफाइल हमें कैसे देखने होते हैं, जितने भी हमारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं ना वो बेस्ट न्यूक्लियोफाइल होते हैं। OH- काफ़ी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा वीक लिविंग ग्रुप है, और जितने भी वीक लिविंग ग्रुप होते हैं ना वो हमारे बेस्ट न्यूक्लियोफाइल होते हैं। जैसे क्लोरीन क्या है, बेस्ट लिविंग ग्रुप, और वीक क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन हमारा बैड लिविंग ग्रुप है और बेस्ट क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो OH क्या है, बैड लिविंग ग्रुप, और बैड लिविंग ग्रुप है तो बेस्ट क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। तो OH बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है, तो हमारा अगर बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है तो वो यार रेट ऑफ रिएक्शन को आराम से इंक्रीज करेगा, क्योंकि जो बेस्ट न्यूक्लियोफाइल होगा वो जल्दी अटैक करेगा और जल्दी प्रोडक्ट में बदलेगा हमारे सबस्टेट को, ठीक है। इन द केस ऑफ ARSN1 रिएक्शन स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन बिकॉज न्यूक्लियोफाइल आर नॉट इन्वॉल्व इन RDS स्टेप। देखो हमारी ARSN1 जो रिएक्शन होती है उसमें RDS स्टेप में क्या होता है, लिविंग ग्रुप का बाहर निकलना। ARSN2 रिएक्शन क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो RDS स्टेप में ही अटैक कर रहा है। तो जो बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है ARSN2 के लिए अगर बात करें तो जो बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है जो अटैक करने वाला है वो कहां पर करेगा, RDS स्टेप में, और RDS स्टेप जो कि स्लो होती है उसमें, तो वहां पर वो जल्दी अटैक करेगा और जल्दी अटैक करेगा तो वो जल्दी प्रोडक्ट में बदलेगा हमारे सबस्टेट को। इससे क्या होगा, इससे हमारी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ARSN1 है। ARSN1 में जो RDS स्टेप है उसमें लिविंग ग्रुप आर निकलता है, न्यूक्लियोफाइल का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो लास्ट स्टेप जो कि फास्ट होती है उसमें अटैक करता है। तो न्यूक्लियोफाइल का जो इन्वॉल्वमेंट है ARSN1 के लिए वो ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो जो न्यूक्लियोफाइल है वो RDS स्टेप में अटैक नहीं कर रहा है, वो केवल लास्ट स्टेप में अटैक कर रहा है जो कि हमेशा फास्ट होती है। RDS स्टेप में ARSN1 में RDS स्टेप जो होती है वो लिविंग ग्रुप का बाहर निकलना होता है। और ARSN2 की अगर बात करें तो ARSN2 में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो RDS स्टेप में अटैक करता है। तो यानी कि RDS स्टेप किस पर डिपेंड कर रही है, न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी पर ARSN2 में, ठीक है। तो ARSN2 में न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी, जितना बेस्ट हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा उतनी ही रेट ऑफ रिएक्शन हमारी बढ़ेगी ARSN2 की। ये हमने एग्जांपल लिया है ARSN1 का, यहां पर जो हमारा सबस्टेट है इसमें सबसे पहले आयोडीन जो है ये बाहर निकलेगा RDS स्टेप में, कार्बोकेटाइन बनेगा, इसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यहां पर RDS स्टेप में केवल लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है, लिविंग ग्रुप का इंपॉर्टेंट रोल है ARSN1 में, लेकिन ARSN2 में न्यूक्लियोफाइल का इंपॉर्टेंट रोल है। तो यानी कि इन दोनों चीजों में न्यूक्लियोफाइल का रोल किसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है ARSN2 में, और लिविंग ग्रुप का इंपॉर्टेंट रोल किसमें है ARSN1 में। ये था हमारा रिएक्टिविटी ऑफ ARSN रिएक्शन, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो इतना लिखना सफिशियंट होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद।